बच्चों, अब तक आपने यह जाना कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं तथा किसी जीव में रोगजनकों एवं विषैले पदार्थों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने वाली कोशिकाओं के समूह एवं अंगों के तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक इनेट और दूसरा एक्वायर्ड। जिस प्रकार कुछ गुण किसी व्यक्ति में जन्म से होते हैं, जैसे कि उसका रंग रूप, उसकी आवाज़, जबकि कुछ गुण वह उम्र के साथ धीरे धीरे अर्जित करता है, जैसे कि साइकिल चलाना सीखना या पढ़ना लिखना सीखना, उसी प्रकार कुछ प्रतिरोधकता, कुछ प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में जन्म से उपस्थित होती हैं तथा कुछ धीरे धीरे अर्जित की जाती हैं। तो जो इनेट प्रतिरक्षा तंत्र है या इनेट इम्यूनिटी है, वह जन्मजात होता है, यह इनबॉर्न या कंजेनाइटल होता है, यह हमारे शरीर में जन्म के साथ उपस्थित होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है तथा यह नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है। नॉन स्पेसिफिक टाइप का अर्थ है किसी विशिष्ट बीमारी के माइक्रोब से जम से ही लड़ने की शक्ति नहीं, अपितु सभी प्रकार के बाहरी आक्रमण से लड़ने में ये सक्षम होते हैं। यह तीन प्रकार से कार्य करता है, एक फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर और तीसरा सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर को हम शारीरिक या कायिक अवरोध कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को हम कार्यकी अवरोध कहते हैं तथा सेलुलर बैरियर जो होता है वह कोशिकीय अवरोध होता है। आइए जानते हैं क्या है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जो होता है, इसमें विभिन्न सुरक्षात्मक अंग एवं सिक्रीशंस शामिल होते हैं, जैसे कि हमारा स्किन सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अंग है। यह किसी किले की भांति हमारे शरीर की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है तथा इसे पार करना आसान नहीं होता है। इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तथा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाई जाने वाली जो म्यूकस कोटिंग है, वह भी सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकती है। इनके अतिरिक्त हमारी नाक में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार का फिजिकल बैरियर ही है, क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों को आसानी से अंदर जाने नहीं देते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत लार ग्रंथि से निकलने वाला जो लार है तथा स्टमक से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस, ये दोनों फिजिकल बैरियर्स के उदाहरण हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, तो जब भी कोई सूक्ष्म जीव फिजिकल बैरियर्स को पार करके शरीर के अंदर किसी तरह यदि प्रवेश भी कर जाए, तो जो गैस्ट्रिक जूस है यदि भोजन के साथ प्रवेश कर जाए तो गैस्ट्रिक जूस उसे वहीं खत्म करने की शक्ति रखता है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वह है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इम्यून सेल्स कार्य करते हैं। जो इम्यून सेल्स होते हैं वे WBC होते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आदि कुछ प्रमुख ल्यूकोसाइट्स हैं। ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी उनके लिए हथियार के जैसे होते हैं तथा विभिन्न जीवों को नष्ट करने में ये सक्षम होते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको इनेट अर्थात जन्मजात प्रकार का इम्यूनिटी बताया। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का अर्थ होता है उपार्जित या अर्जित इम्यूनिटी। इस प्रकार का इम्यूनिटी जन्म के बाद समय के साथ धीरे धीरे उपार्जित किया जाता है। ये जो इम्यूनिटी होती है हाईली स्पेसिफिक टाइप की होती है। अब यह स्पेसिफिक टाइप क्या है?
इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के सुरक्षात्मक घेरे को पार करके अंदर चला जाए, तो हमारे शरीर में, अभी मैंने आपको बताया कि इम्यून सेल्स होते हैं, ये जो इम्यून सेल्स होते हैं उन पर तेजी से अटैक करेंगे, उनकी पहचान करेंगे और उन्हें मेमोराइज्ड भी कर लेंगे और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन केस कभी दोबारा वो वायरस बैक्टीरिया फिर से वहाँ आया, तो क्योंकि उनकी पहचान हो चुकी है तो वे अब तुरंत नष्ट किए जा सकेंगे और हम बीमारी से बच जाते हैं। तो यही होता है हाईली स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी। इसमें रोगाणुओं की पहचान करके नष्ट किया जाता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के रोगाणुओं के प्रति इम्यूनिटी जागृत हो जाती है हमारे शरीर में, अतः यही हाईली स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी है। एक और एग्जांपल यदि मैं लूँ तो चिकन पॉक्स का वायरस यदि एंटर करे हमारे शरीर में तो सक्रिय प्रतिक्रिया द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाता है तथा पहचान भी लिया जाता है, किंतु जब वो दोबारा प्रवेश करता है तो मेमोराइज्ड होने के कारण तेजी से अटैक करके मार दिया जाता है तथा हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो बच्चों, आप क्या समझ पाए कि हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? रोगाणुओं की पहचान करके उस रोगाणु के प्रति विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करना ही क्या है, स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ टेक्निकल शब्दों का बार बार प्रयोग किया, एंटीजन, एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन एक प्रकार का बाहरी तत्व होता है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है। ये एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस के सरफेस में मौजूद होते हैं तथा पेप्टाइड जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है तथा पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। एंटीजन इम्यून सिस्टम को इंडिकेट करता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या आप एंटीजन समझ पाए? अब हम जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। ये वाई शेप में होते हैं तथा स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंस को एवं माइक्रोब्स को पहचान कर उसे मारते हैं तथा ये एंटीबॉडी ही शरीर को विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में कुछ इम्यून सेल्स पाई जाती हैं जो शरीर के अंदर यदि कोई कीटाणु प्रवेश कर जाए तो उनसे लड़ती हैं तथा उन्हें मार देती हैं। तो ये जो इम्यून सेल्स होती हैं वो हैं क्या, चलिए जानते हैं। तो ये जो इम्यून सेल्स हैं ये WBC अर्थात वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं, ये होती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, इनके विभिन्न नाम हैं। तो बच्चों, ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं हमारे रक्त में पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये रक्त में पाई जाती हैं तो रक्त का रंग तो लाल होता है, तो ये WBC कहाँ होती हैं? बच्चों, WBC हमारे रक्त के साथ ही घुली हुई होती हैं। हमारे रक्त में RBC, WBC, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा पाया जाता है। चूँकि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है, इस कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। किंतु यदि हम थोड़ा सा ब्लड सैंपल के रूप में लें और माइक्रोस्कोप में उन कोशिकाओं को देखने का प्रयास करें तो हमें WBC दिखाई देते हैं। इन WBC में भी पर्याप्त भिन्नता होती है, अतः इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा अग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स प्रकार के ल्यूकोसाइट्स या WBCs होते हैं उनके प्लाज्मा में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और जो अग्रैनुलोसाइट्स के प्रकार के ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके प्लाज्मा में ग्रैन्यूल्स का अभाव होता है। अब यदि हम ग्रैनुलोसाइट्स प्रकार के ल्यूकोसाइट्स की बात करें
तो पुनः इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है और ये सब माइक्रोस्कोप में आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको दिखेगा। तो जो WBC ग्रैनुलोसाइट प्रकार के WBC तीन प्रकार के होते हैं, एक न्यूट्रोफिल, दूसरा एसिडोफिल और तीसरा बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल जिसे इओसिनोफिल भी कहा जाता है और तीसरा है बेसोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, चलिए जानते हैं एक एक करके। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वे न्यूट्रोफिल्स में थिन स्टैंड क्रोमेटिन पाया जाता है। इसके क्रोमेटिन में 4 to 5 लोब्स होती हैं तथा ये टोटल WBC काउंटिंग यदि की जाए तो 60 to 70% होती हैं, मतलब सबसे अधिक प्रकार की WBCs हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। अब इसके कार्य की बात करते हैं, तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस आदि को नष्ट करते हैं। किस प्रकार से, तो फेगोसाइटोसिस करके। अब ये फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो बच्चों फेगोसाइटोसिस का अर्थ होता है एक सेल्स के द्वारा दूसरे सेल्स का भक्षण करना। आप चित्र में देख सकते हैं एक बड़ी सेल्स है, वो किसी बैक्टीरिया या वायरस जो कि सूक्ष्म होते हैं उन्हें क्या कर लिए, अपने अंदर ले लिए, इंजेक्ट कर लिए तथा उसे पचा दिए और उसे मार दिए। तो ये होता है फेगोसाइटोसिस। और सरल अर्थ में हम यदि समझें तो किसी सेल का किसी अन्य सेल के द्वारा भक्षण करना फेगोसाइटोसिस कहलाता है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल और कैसे हमारे बॉडी की रक्षा करता है, तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनमें डिफेंसिन और लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, इनकी मदद से भी ये बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं तथा इनमें H2O2, सुपर ऑक्साइड एनायन तथा हाइपोक्लोराइड एनायन पाया जाता है और ये सभी एंटीऑक्सीडेंट की मदद से भी वो माइक्रोब्स को किल करने का कार्य करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है न्यूट्रल प्रकृति के होते हैं। आगे और आप समझ जाएंगे क्या है न्यूट्रल प्रकृति। पीएच वैल्यू आपने सुना होगा, तो तीन प्रकार की पीएच वैल्यू होती है, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। फिर अगला हमारा WBC है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या होता है, तो बच्चों जो इओसिनोफिल्स होते हैं इनके क्रोमेटिन थिक होते हैं, यह टोटल WBC के 2 to 4% ही होते हैं तथा इनके जो साइटोप्लाज्म है, आपने कोशिकाओं की संरचना पढ़ी होगी उसमें आप जानते होंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो उस साइटोप्लाज्म में रेड ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें फंक्शन की बात करें तो जब भी किसी पर्सन को एलर्जी होती है तो हमारी जो बॉडी होती है कुछ इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है, जैसे कि हिस्टामिन। जैसे किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने काट लिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप हिस्टामिन रिलीज होगा। किसी व्यक्ति को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी व्यक्ति को ग्लूटेन से एलर्जी है, तो इस एलर्जी के कारण बॉडी जो है हिस्टामिन रिलीज करता है। तो ये जो इओसिनोफिल्स होते हैं इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने का कार्य करते हैं। चलिए, और इसके अलावा ये भी फेगोसाइटोसिस और अन्य माध्यम से जर्म्स को किल करने का कार्य करते हैं। अब हमारा अगला ग्रेन्युलोसाइट्स प्रकार का WBC है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है टोटल WBC की काउंटिंग में सबसे कम संख्या में उपस्थित होते हैं। माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो कहीं कहीं इक्का दुक्का ही हमें दिखाई देता है। ये मात्र 0.5% से लेकर के 1% तक ही उपस्थित होते हैं और
इनमें ब्लू और पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो जब भी शरीर में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कुछ इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन इत्यादि। तो ये जो हमारा बेसोफिल्स होता है, इसके रिलीज को इंक्रीज करने का कार्य करता है, मतलब इसे इसके प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि जो एसिडोफिल था वह उसके प्रभाव को कम कर रहा था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। एसिडोफिल के बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी कि एसिडोफिल या इओसिनोफिल जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, जबकि बेसोफिल नाम से ही स्पष्ट है कि यह बेसिक नेचर का होता है। इसके अलावा ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये भी विभिन्न प्रकार से जर्म्स को किल करने का कार्य करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स प्रकार के WBC के बारे में जानने के लिए। चलिए जानते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, पहला मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये रक्त की सबसे बड़े प्रकार की ल्यूकोसाइट्स हैं। जब ये ब्लड में उपस्थित होते हैं तब इन्हें मोनोसाइट्स कहा जाता है, जबकि जब ये ब्लड से निकलकर विभिन्न ऊतकों में आ जाते हैं तब इन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। जब ये ब्लड से निकलकर विभिन्न ऊतकों तक पहुंच जाते हैं, विभिन्न ऊतकों में रहते हैं, तब इसे मैक्रोफेजेस कहा जाता है। इन ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ऊतकों में जाकर बफर सेल का काम करते हैं। इसका कार्य भी शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि संक्रमण से बचाना है, तथा ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को तो मजबूत करते ही हैं, साथ साथ विभिन्न ऊतकों के मरम्मत का भी कार्य करते हैं, अर्थात रिपेयरिंग करते हैं। आप देखते हो बच्चों, जब भी आपको कुछ घाव होता है तो क्या होता है, कुछ दिन में वो घाव ठीक हो जाता है, आपकी स्किन भी ठीक हो जाती है। तो ये सब रिपेयरिंग का काम मोनोसाइट्स से ही संभव है। फिर इसके बाद जो अगला प्रकार है वह है लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या होता है? चलिए, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं जो हमारे शरीर के रक्त एवं लिम्फ में मौजूद होते हैं। ये अनुकूली और अर्जित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका निर्माण बोन मैरो के स्टेम सेल्स में होता है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रकार के WBC अब तक हमने पढ़ा, उन सभी का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट और तीसरा है NK सेल्स। अभी NK सेल्स क्या होती हैं? तो इसका पूरा नाम होता है नेचुरल किलर सेल्स। चलिए एक एक कर जानते हैं। तो जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दोनों बोन मैरो से ही निर्मित होते हैं, लेकिन कार्य और संरचना में अलग होते हैं। जो बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स होता है वह बोन मैरो से निर्मित होता है, और टी लिम्फोसाइट्स होता है वह भी बोन मैरो से निर्मित होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन या परिपक्वता जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है, किंतु टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन थाइमस ग्रंथि में होता है, इसी कारण उसे टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये दोनों कार्य और संरचना में अलग अलग होते हैं। इन दोनों में सतही प्रोटीन मौजूद होते हैं। बी एवं टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एंटीजन के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, तथा प्रभावकारी एवं स्मृति कोशिकाओं में विभेदित इन्हें करते हैं। इन बी और टी लिम्फोसाइट्स के सहायता से ही हम विशिष्ट प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करते हैं। अब जो अगला NK सेल्स होता है, ये क्या होता है?
जो एनके सेल्स होते हैं ये जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा हैं, इनकी सतह पर एंटीजन विशिष्ट रिसेप्टर्स नहीं होते तथा ये ट्यूमर कोशिकाओं एवं संक्रमित कोशिकाओं को खत्म करने का काम करती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के WBC कैसे कैंसर कोशिकाओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, विभिन्न पैरासाइट से, विषजन्य पदार्थों से और ढेर सारी जो अवांछित प्रकार के तत्व हैं हमारे शरीर में जो प्रवेश कर जाते हैं उनसे हमें कैसे बचाते हैं। तो ये सभी WBCs हमारे शरीर के सैनिक की तरह कार्य करती हैं और बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों अर्थात विभिन्न कीटाणुओं रोगाणुओं का एनकाउंटर करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। बच्चों अब तक की जानकारी के आधार पर यह समझ बनती है कि किसी भी संक्रामक रोग के उपचार को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला रोगों के प्रभाव को कम करके और दूसरा रोगों के कारकों को नष्ट करके। उपचार का जो पहला तरीका है उसमें रोगों के लक्षणों को समझा जाता है तथा उस लक्षण के आधार पर दवाई दी जाती है। दवा लेने के पश्चात रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है जिससे उसकी ऊर्जा संरक्षित हो सके तथा स्वस्थ होने में यह सहायक होती है। परंतु इस लक्षण आधारित उपचार से केवल कुछ समय के लिए वो लक्षण दब जाते हैं और तात्कालिक आराम मिलता है, लेकिन इसमें यह संभावना रहती है कि कुछ समय पश्चात पुनः हमें उस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं समझाती हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो बुखार का लक्षण देखकर उसे पैरासीटामॉल, क्रोसिन इत्यादि दवाइयाँ दे दी जाती हैं। अगर उसे सिर दर्द है तो उसे सिर दर्द की दवाई दे दी जाती है, लेकिन इसमें यह संभावना है कि दवाई देने के पश्चात कुछ समय तक का तो आराम है लेकिन बाद में पुनः उसे बुखार या सिर दर्द हो सकता है। इसका कारण यह होता है कि रोग के कारक अभी नष्ट नहीं हुए हैं। तो दूसरे तरीके का जो उपचार है उसमें यह प्रयास किया जाता है कि रोग के कारकों को ही नष्ट करके व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए। इसके लिए पहले रोगाणुओं को पहचानने के लिए जांच कराई जाती है और इनकी जब पहचान हो जाती है कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है तब उसे उस पर्टिकुलर बीमारी की दवाई दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को जांच के दौरान मलेरिया पॉजिटिव आया तो उसे मलेरिया की दवाई दी जाएगी, उसका डोज कंप्लीट कराया जाएगा, निश्चित अवधि तक नियमित रूप से वह दवाई उस रोगी को दी जाएगी जिससे मलेरिया के जो रोगाणु हैं वह जड़ से नष्ट हो जाएंगे तथा वह व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है और दोबारा उसे बुखार या मलेरिया के जो भी लक्षण हैं वह दिखाई नहीं देंगे। वर्तमान में एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक इत्यादि प्रकार के दवाइयाँ उपचार के लिए उपलब्ध हैं तथा सभी का अपना अपना महत्व होता है। तो हम इनका प्रयोग करके विभिन्न रोगों का उपचार प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रिवेंशन अर्थात रोगों से किस प्रकार बचाव किया जाए। तो बच्चों दवाई कराने से, उपचार कराने से लाख गुना बेहतर है कि हम रोगों से ही बच के रहें। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे हमें रोग होने की संभावनाएं कम से कम हो। आप कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे बताइए कि आप रोग से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। स्वस्थ रहने की शुरुआत हमेशा स्वच्छता से होती है। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को गंदगी मुक्त रखें तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए हमें कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। यदि आपके घरों के आसपास कहीं पानी रुका हुआ हो
क्योंकि आप जानते हैं कि रुके हुए पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं, मच्छर का लार्वा पनपता है, तो उन रुके हुए पानियों का भी उचित प्रबंधन करें। नहीं कर सकते हैं तो उस पर DDT का छिड़काव करें, उसमें केरोसिन डाल दें, तालाब इत्यादि अगर हैं तो उसमें गंबुजिया मछली का पालन करें। जो गंबुजिया मछली होती है वह मच्छर के लार्वा को खाने का काम करती है, तो इस प्रकार से हम अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि मच्छर होते हैं तो हमें मच्छरों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने घरों में शाम को नीम का धुआं करना चाहिए। वैसे तो मॉर्टिन जैसे कुछ मच्छर अगरबत्तियाँ भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन इनके प्रयोग से हमें बचना चाहिए या कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक भी हो सकते हैं। हमारा प्रयास ये हो कि जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हुए हम अपने विभिन्न रोगों से बचाव करें। इसके लिए हम शाम को घरों में रहते हुए सरसों का तेल लगा सकते हैं, इससे मच्छर दूर होते हैं, और रात में सोते वक्त मच्छरदानी का हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे हम मच्छरों से बचेंगे, और जब हम मच्छरों से बचेंगे तो हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया से बचने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगल में एक औषधि पाई जाती है जिसका नाम भुइली या चिरायता है। यह भुइली या चिरायता अत्यधिक कड़वी होती है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हमें मलेरिया नहीं होता है। और कुछ व्यक्तिगत स्वस्थ आदतों को अपनाकर भी हम विभिन्न रोगों से बच सकते हैं, जैसे कि खाने से पहले और शौच से आने के बाद हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। अभी तो स्कूलों में साबुन से हाथ धोने, स्वच्छता जागरूकता रैली इत्यादि का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, तो आप तो जानते ही हैं बच्चों कि कम से कम 18 मिनट तक हमें साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए। इससे हमारी आधी बीमारियां दूर हो सकती हैं। और इसके अलावा संतुलित आहार व्यायाम द्वारा भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। रोगों से बचाव का जो अगला तरीका है वह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इस अध्याय में हमने जाना है कि रोगों से बचाव का जो सीधा संबंध होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से होता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी आपके घरों में आपको च्यवनप्राश खिलाती होंगी, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जिन्हें बाबा रामदेव प्रचारित करते हैं, एलोवेरा या गिलोय इत्यादि का प्रयोग करते होंगे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा किस प्रकार से प्रयास किया जाता है? बच्चों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। उनके द्वारा किए गए आविष्कार किसी वरदान से कम नहीं थे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर। यूं तो लुई पाश्चर ने कई आविष्कार किए, कई दवाइयों का इजाद किया, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेबीज के टीके की खोज थी। रेबीज एक विषाणु से होने वाला रोग है तथा यह मुख्यतः पशुओं में पाया जाने वाला रोग है, जो कि पशुओं से मनुष्यों में भी हो जाता है। हम आपको बता दें कि जो रेबीज के वायरस होते हैं वह पशुओं के लार में पाए जाते हैं, और जब वह संक्रमित पशु मनुष्य को काट लेता है तो वह मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज सन 1885 में की। इससे पहले तक इसका टीका उपलब्ध नहीं था। 1885 के दौरान दुनिया की आबादी करीब 150 करोड़ थी, और हर वर्ष करीब 1 करोड़ लोग कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, चमगादड़, लोमड़ी इत्यादि जानवरों के काटे जाने के कारण रेबीज से मारे जाते थे।
आइए जानते हैं कि किस प्रकार से लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को पेरिस के अरब बोश नामक शहर में हुआ। उनके पिता चमड़े के एक साधारण व्यापारी थे। हर पिता की भांति वह भी चाहते थे कि लुईस पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। इसके लिए उन्होंने वहीं के एक स्कूल में लुईस का दाखिला कराया। लुईस पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। उन्हें अध्यापकों द्वारा बताई गई बातें समझ में नहीं आती थी। कुछ समय बाद उनके दोस्त भी उन्हें मंदबुद्धि तथा बुद्धू कहकर पुकारने लगे और अध्यापकों के अनदेखी से तंग आकर उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उनका जीवन ही बदल गया। लुई का जो गांव था वह जंगल के करीब था। एक बार एक भेड़िया उनके गांव में घुस आया तथा एक ही दिन में उस पागल भेड़िए ने गांव के 8 बच्चों को काट लिया। इसके कारण 8 में से 5 बच्चे अगले 3 हफ्ते में ही रेबीज के शिकार हो गए तथा पागल भेड़िए की भांति व्यवहार करने लगे और 1 महीने के अंदर ही वे सब तड़प तड़प कर मर गए। इस घटना ने लुई को अंदर से झकझोर कर दिया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, क्या इन बच्चों का कोई इलाज नहीं हो सकता था? तब उनके पिता ने कहा कि बच्चे, यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो इसकी दवा बना सके। क्यों ना तुम ही पढ़ लिख कर इसकी दवा बनाओ। ये बात लुई के दिमाग में घर कर गई और अब लुई पढ़ने लिखने लगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पेरिस गए। उनकी रुचि विशेष रूप से केमिस्ट्री में थी क्योंकि उस समय के केमिस्ट्री विशेषज्ञ डॉक्टर ड्यूमा से वो काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तथा उसी केमिस्ट्री लैब में अब वो काम करने लगे और कुछ दिनों के बाद वे वहाँ के अध्यक्ष भी बना दिए गए। अब उन्होंने अपना रिसर्च प्रारंभ किया। इसी दौरान एक परिचित ने आकर उनसे कहा कि उनका एक शराब का कारोबार है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी शराब खट्टी पड़ जाती है जिसके कारण उन्हें व्यापार में घाटा होता है। लुई ने अब रिसर्च करना प्रारंभ किया तथा अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि उस खट्टी शराब में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो शराब के स्वाद को खराब करते हैं। कुछ दिनों के रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि यदि 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक लगातार यदि उस शराब को गर्म की जाए तो उससे उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा शराब का स्वाद भी खराब नहीं होता है। बाद में इसी प्रयोग को उन्होंने दूध पर भी अपनाया और उनके नाम के आधार पर ही उस मिल्क का नाम पॉस्चराइज्ड मिल्क रखा गया। इसी रिसर्च के बाद लुई पाश्चर ने सोचा कि यदि खाने पीने की वस्तुओं में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो क्या जानवरों के खून, मनुष्यों के खून, लार इत्यादि में भी तो पाए जाते होंगे। तब उन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा और आसपास के पागल कुत्ते, भेड़ियों इत्यादि को अपने लैब में इकट्ठा करना शुरू किया। इसके कारण उनका खुद का जीवन भी हमेशा खतरे में रहता था, लेकिन उन्हें रेबीज के टीके की खोज करनी थी अतः वो अपना प्रयास लगातार करते रहे। इसी बीच फ्रांस में मुर्गियों का हैजा फैल गया। अब ये जो मुर्गियों का हैजा था लगातार फैलने के कारण कुछ मुर्गी पालक लुई पाश्चर के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि कुछ इलाज इसका ढूंढिए। जब लुई पाश्चर मुर्गियों पर रिसर्च कर रहे थे तब मुर्गियों के खून की जांच पर उन्होंने पाया कि कुछ विषाणु या जीवाणु हैं जो मुर्गियों को संक्रमित कर रहे हैं।
लुई पास्टर इसका कारण तो समझ चुके थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरस से लड़ क्यों नहीं पा रहा है। फिर इन्हीं दिनों उन्हें पता चला कि फ्रांस में मुर्गियों का हैजा फैला हुआ है। कुछ मुर्गियां तथा चूजे बीमारी की चपेट में आकर मर रहे थे। मुर्गी पालने वाले लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि कोई इलाज ढूंढे। पास्टर ने उन जीवाणुओं की खोज की जो मुर्गियों की हैजा के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे जीवाणु विषाणु होते हैं जो किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से छिपकर कार्य करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देकर कार्य करते हैं। अब लुई पास्टर को यह पता लगाना था कि कैसे इस होशियार हो चुके जीवाणु विषाणु से हमारे प्रतिरोधक क्षमता की पहचान कराई जाए। इसके लिए उन्होंने चूजों के रक्त से विषाणुओं को निकाला तथा एक विशेष लवण में मिलाकर निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने मुर्गियों में लगाया। जिन जिन मुर्गियों को यह इंजेक्शन लगा वह आगे चलकर बीमार नहीं हुई तथा जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं लग रहा था वो मर रही थी। बाद में इसी प्रयोग को उन्होंने रेबीज के लिए भी किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यदि हम कमजोर और निष्क्रिय हो चुके विषाणु को शरीर के अंदर प्रवेश कराएं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा नहीं दे सकता। तो अब उन्होंने पागल कुत्तों भेड़ियों इत्यादि के शरीर से रेबीज के वायरस निकाले, उसे पुनः किसी लवण में मिलाया जिसके कारण वो विषाणु निष्क्रिय हो गए। अब उसे स्वस्थ कुत्ते में इंजेक्ट कराया गया। कुछ दिन के बाद सक्रिय विषाणुओं को भी उसी स्वस्थ कुत्ते में इंजेक्ट कराया गया तो उन्होंने देखा कि उसे उस कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ, वह रेबीज से संक्रमित नहीं हुआ। अब लुई पास्टर यह समझ चुके थे कि इसका इलाज क्या है, किंतु इन्होंने अब तक यह प्रयोग केवल जानवरों पर ही किया था और किसी इंसान पर नहीं किया था। इसी बीच एक माता अपने बच्चे को लेकर लुई पास्टर के पास आई और उनसे विनती करने लगी कि उन्हें वो उसके बच्चे को बचा लें। लुई ने देखा कि उसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। लुई समझ चुके थे कि इसे यह रेबीज से संक्रमित हो चुका है, लेकिन उनके पास यह टास्क था कि अब तक उन्होंने किसी भी मनुष्य पर इसका प्रयोग नहीं किया था तो किस प्रकार से करें। लेकिन वे जानते थे कि अगर वो प्रयोग नहीं भी करते हैं उस बच्चे की निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी, अतः उन्होंने अब उस एंटी रेबीज टीके को देना प्रारंभ किया। शुरुआत में उन्होंने कम डोज का इंजेक्शन लगाया, धीरे धीरे 21 दिनों तक लगातार डोज बढ़ाते रहे। इसके बाद उन्होंने देखा कि वह बच्चा ठीक हो गया और जो एंटी रेबीज का टीका उन्होंने बनाया था वह सफल रहा। इसके लिए फ्रांस की सरकार द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो बच्चों, इस प्रकार से रेबीज के टीके की लुई पास्टर के द्वारा खोज की गई। आपने एडवर्ड जेनर और लुई पास्टर से टीके की कहानी सुन चुकी है, तो इसके लिए टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रोग होने से पहले ही रोगों से बचाव का इंतजाम कर लिया जाता है। चलिए देखते हैं टीकाकरण क्या है। अच्छा, इससे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको कभी टीका लगा है? जब लग चुका है तो कौन कौन से टीके आपको लगे हैं और कौन कौन से अब तक उपलब्ध हैं लेकिन आप लगाए नहीं हैं? एक लिस्ट आप बनाकर रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, क्या है टीकाकरण जानते हैं। टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी रोग विशिष्ट के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। टीकाकरण की प्रक्रिया द्वारा शरीर में जीवाणुओं विषाणुओं की नियंत्रित मात्रा प्रवेश कराई जाती है जिससे रोग का हल्का आक्रमण होता है।
इससे हमारे शरीर में पुनः इसी प्रकार का दोबारा जब आक्रमण होता है तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए पोलियो ड्रॉप का टीकाकरण, कोरोना वैक्सीन इत्यादि। बच्चों, हमारे भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं एवं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विभिन्न टीके निशुल्क उपलब्ध हैं। हम अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि रोगों से बचने के क्या उपाय हैं, और यही बेहतर है कि हम रोगों से बच के रहें, और यदि रोग हो भी जाएं तो उनसे उपचार के कौन कौन से तरीके हैं आप जान चुके हैं। बच्चों, आपने अनेक विदेशी चिकित्सकों के बारे में जाना, उनके विभिन्न खोजों के बारे में भी जाना, लेकिन हमारे भारत में भी अनेक महान चिकित्सक हुए हैं। चरक और सुश्रुत का नाम इसमें अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। चरक ने कई हजारों वर्ष पहले चरक संहिता लिखी थी, जिनमें विभिन्न औषधियों का उल्लेख है, जबकि जो सुश्रुत है उन्हें तो शल्य क्रिया विज्ञान का जनक ही माना जाता है। हमने इस अध्याय में स्वास्थ्य तथा विभिन्न रोगों एवं उपचार तथा बचाव के बारे में विस्तार से जाना। आशा है कि आप समझ पाए हो। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वाहक वेक्टर, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम, जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरस, शोथ इन्फ्लेमेशन, टीकाकरण वैक्सीनेशन, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दीर्घकालिक रोग क्रॉनिक डिजीज, तीव्र रोग एक्यूट डिजीज। हमने सीखा, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शारीरिक मानसिक और कौशल युक्त कार्य अपनी क्षमता एवं दक्षता के साथ पूरा किया जा सके। रोग शब्द को अंग्रेजी शब्द डिजीज से दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ आराम में बाधा होना है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वच्छता महत्वपूर्ण है। तीव्र रोग उपचार करने पर कुछ समय में ठीक हो जाते हैं, जैसे चोट लगने के कारण बुखार। दीर्घकालिक रोग लंबी अवधि तक बना रहता है, जैसे TB। दूषित जल, आहार में पोषक अवयवों का अभाव आदि रोगों के उत्पन्न होने के सहायक कारण हो सकते हैं। संक्रामक कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण हैजा, टाइफाइड, एड्स एवं क्षय रोग आदि। एड्स के रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना उसकी मृत्यु का कारण होता है। जीवों में प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनकों और अवांछनीय कोशिकाओं को पहचान कर इन्हें नष्ट करके रोगों से जीव की रक्षा करता है। विषाणुओं से उत्पन्न रोग जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, खसरा, पोलियो आदि का सामना करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है।